अच्छा, हेलो कुलदीप जी। कुलदीप जी, अभी अभी अपडेट आया है, आपने देखा या नहीं, मगर जस्ट अभी रात के 1:30 बजे दिलजीत ने स्टोरी डाली है। वो कीबोर्ड बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कीबोर्ड मैंने बुडापेस्ट से लिया है, आई और सॉ इट। अभी मुझे इसी कीबोर्ड से हौसला रख के सॉन्ग भी डेब्यू करने हैं। तो बहुत जल्द आप लोगों को हौसला रख का टीजर देखने को मिलेगा, तो दैट्स गुड। ये क्या आवाज आ रही है? कुछ नहीं है, बंद कर दिया मैंने। आई सॉ इट नाउ, अभी देखा मैंने थोड़ी चलो, ये देर। अच्छी बात है, थोड़ा फैंस डाइवर्ट होगा माइंड फैंस का, अच्छा है फैंस के लिए। हाँ, आज ना काफी लो था, बिकॉज 13 लास्ट डे था, तो सब वैसे ट्वीट कर रहे थे, तो मैंने भी ट्विटर खोला था, देखा था, तो थोड़ा मैं भी लो फील कर रही थी थोड़ी देर के लिए। हाँ, आज का दिन थोड़ा वैसा था, 13 days कंप्लीट हो गए हैं। मैच हो गए हैं पूरे। एक्चुअली या बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है, मेरे को अभी भी पता नहीं कब बिलीव होगा, कब दिल को कुछ अच्छा लगने लगेगा, आई डोंट नो। स्नेहा जी कह रही है, अमन यस्टरडे स्पीकर्स वर लवली। हाँ, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि अमन क्या लाइव था, जो न्यू स्पीकर्स आए थे कल हाँ, विद्या इतने जी एंड जुनेरा, बहुत लोगों ने पसंद किया है वो लाइव, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छा बोलते हो स्नेहा जी, आया करो आप भी टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा। और आज आप लोगों ने देखा होगा, एक आर्टिकल भी आया है। हाँ देखा था उस पे ना, काफी ज्यादा ट्विटर पे लोगों ने बवाल मचाया है। चलो, पर्सनल चीजें तो नहीं उन लोगों को बोलनी चाहिए, वो गलत है कि किसी, अगर आप किसी को कंसोल करने जाते हो और आप बाहर आके घर की बातें बोलते हो कि वो कैसे हैं, वो क्या हो रहा है उनमें, क्या, दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। लेकिन एक बात बोलूं अमर, जब मैंने वो पढ़ा ना रीता आंटी और सना के बारे में, तो मेरे दिल को ना एक तसल्ली सी मिली कि शहनाज बड़े ही अच्छे हाथों में है, बड़े ही अच्छे लोगों में रह रही है, और बड़े ही एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह रही है, कि उसको इनकरेज कर रहे हैं वो काम के लिए कि बाहर जाए और इसका मूड चेंज हो, और ये हर टाइम उस मतलब डिप्रेशन में ना चली जाए कहीं। कि मेरे को पता नहीं, वो पढ़ के ना बहुत दिल को तसल्ली सी मिली कि कहीं से कोई पॉजिटिव चीज सुनने के लिए मिली। ठीक है, वो लोग उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, सभी सिद्धनाथ फैंस ट्विटर पे बोल रहे थे इनकी पीयर चल रही है, ये बाहर आके आर्टिकल छपवा रहे हैं जी। आई नो दैट वो चीज हमें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ना वो आर्टिकल पढ़ के ना एक ना पॉजिटिविटी सी आई कि हाँ भाई, शहनाज एक ना बड़े ही अच्छे माहौल में है, कि वो लोग कभी भी उसको अकेला नहीं फील होने देंगे, जहाँ उसको ऐसे कभी नहीं छोड़ेंगे कि वो किसी डिप्रेशन स्टेट में जहाँ उसकी यादों में और पीछे चली जाए। कि उसकी मॉम इतनी स्ट्रोंग है सिद्धार्थ की, कि वो इनका करेज कर रही है शहनाज को कि वो काम करे, और वो अपना दिल और जगह, जैसे उसका मन और जगह हो और काम करेगी, बिजी रहेगी तो थोड़ा उसका माइंड भी, अभी तो नहीं, जब भी उसका दिल करे तो उनका ये है कि उसका माइंड डाइवर्ट होगा तो इन चीजों से थोड़ा बहुत निकल पाएगी वो। सो ट्रू। देखो, आर्टिकल सच है या गलत ये तो हमें नहीं पता है, मगर जो भी आर्टिकल में लिखा है वो हाँ मुझे बहुत पसंद आया। सच में, मैंने जब पढ़ा ना, आई फील सो रिलैक्स्ड कि रीता आंटी कितनी स्ट्रोंग है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। उनसे लोगों को सीखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, जो भी अपनी लाइफ में लो नहीं, फील करते हैं। एक मिनट अमन, ये किसी ने लिखा है, डू वी नीड मीडिया आर्टिकल टू नो दैट सना इज वेल टेकन केयर ऑफ। आप ना, मैं ये नहीं बोल रही
कि मीडिया से हमें पता चल रहा है, हमें वैसे ही पता है कि उसकी बहुत टेक केयर की जा रही है और उसकी फैमिली बहुत, मैं एक बात बोल रही हूँ कि वो आर्टिकल पढ़ के मुझे पॉजिटिविटी बहुत आई, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा उस चीज को, क्योंकि हम लोगों को उनके अंदर की बातें नहीं पता, हमारे दिल जानता है कि वो बहुत अच्छे से उसका कर रहे हैं, लेकिन मैं एक पॉजिटिविटी की बात कर रही हूँ कि वो पढ़ के मेरे दिल को बड़ा सुकून आया ऐसे, कि कोई उनकी प्रेज कर रहा है, कोई, चलो ठीक है उनकी पर्सनल बातें नहीं बतानी चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ना वो पता नहीं, आई डोंट नो बाकियों का मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे दिल को बड़ी उसका हुआ कि हाँ कि शहनाज बड़े ही एक पॉजिटिव माहौल में है, कि वो काफी उसको अच्छे माहौल में रख रहे हैं, वो चीज मैं सो बोल रही ट्रू. हूँ. ये हाय जुनैरा जी, हाय. नहीं, हेलो हाय, हेलो जुनैरा, गुड, कुलदीप, बहुत कैसे अच्छे हो? हैं. आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक. अभी हाँ, मैंने आपकी जो बात हो रही है वो बिल्कुल ठीक है यार. अभी पता नहीं कुछ लोग ट्विटर पे भी मैं देख रही थी, तो वो कह रहे हैं कि जी सिडनास की पिक्स रिमूव कर दो. क्यों, ये क्या चल नहीं, रहा है? एक्चुअली ना कुछ कुछ इंस्टा पेजेस हैं और कुछ ट्विटर पे पेजेस हैं जिन जिनके डीएम में ना सोलोज ने कमेंट किए हैं कि सिडनास पिक्चर्स रिमूव कर दो और नहीं पोस्ट करो, नहीं वाली कोई भी नहीं पोस्ट करो. तो वो अब बोल रहे हैं कि सोलोज हमें ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो चल रहा है सब. बताओ, इन कितना कुछ हो गया, हमारा सब कुछ चला गया, फिर भी लोग लड़ रहे हैं. पता नहीं कैसे लोग हैं भाई, क्या मिलता है लड़के. उन लोगों ने बोला है कि सिद्धनाथ वालों ने, अभी जो पेजेस हैं उन लोगों ने बोला कि अगर सिद्धार्थ और शहनाज ने आज तक हमको मना नहीं किया तो हम कैसे रुक जाएं, हम नहीं, हम और ज्यादा करेंगे. अच्छी सोलो बातें करनी भी चाहिए. ये तो ऐसे आ गया कि सांस, ये तो ऐसे आ गया सिडनास वाले सांस भी ना ले. ये तो ऐसे कह रहे हैं हाँ जैसे सिद्धार्थ का कॉपीराइट था, शनाजियन पे शनाज का कॉपीराइट था. हम क्या खराब नहीं ले हुए थे किसी को? हम लोगों ने भी तो इन्हीं के मोमेंट जिए हैं ना. ये तो गलत बात है यार. जुनैरा जी, आपकी वॉइस लो है, थोड़ा लाउड बोलिए और थोड़ा आप ठीक है? डिस्टरबेंस भी है. हाँ मूव मत करिए फोन को. सही है, ठीक है, अपनी गलती है. एक्चुअली ये किसी ने लिखा, स्नेहा ने लिखा है, दे आर मैनी सिली थिंग्स ऑन विच दे आर फाइटिंग. एक्चुअली उनको एंटरटेनमेंट चाहिए ना ट्विटर पे, तो लड़ने की कोई ना कोई तो वो पिन पॉइंट करेंगे ही, तो लड़ेंगे ही वो तो ट्विटर पे, और करेंगे भी क्या, क्या पोस्ट करें अब डेली डेली. चलो इन नेगेटिव लोगों को छोड़ो, मगर आज मैंने देखा एक सॉन्ग भी आया है सिडनास हाँ, को लेके, उसके वो लिरिक्स कितने अच्छे हैं अमन, मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने जब देखा. या बहुत अच्छा है. एक्चुअली ना उसमें जो वो फोटो जो पिक्चर्स यूज की करी हैं फ्यूनल की, वो नहीं करनी चाहिए थी, अदरवाइज सॉन्ग के लिरिक्स बड़े अच्छे हैं, या सॉन्ग अच्छा है. बहुत अच्छा है, वो गाया ही बड़ी फील से है वो ना. ये बंदा पता नहीं, मुझे लगता है मैंने इसको इंडियन आइडल में देखा था, अब मुझे एक्यूरेट नहीं याद आ रहा था गाना सुन के ना. आई डोंट नो, मैंने भी इसको देखा है गाते हुए कहीं, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं, मैं पूछना चाह रही थी किसी से कि ये क्या, कौन सिंगर है, कि मैंने इसको देखा हुआ लगता है बट आई डोंट नो इसका कोई गाना है या नहीं. मैंने इसको पता नहीं इंडियन आइडल की एक एपिसोड, पता नहीं इंडियन आइडल में ही देखा था, पता नहीं, अब मुझे याद ही नहीं है कि कौन से सीजन में था, कंफर्म या नहीं. सोना जी, हमने उसके बारे में सबको बता दिया, हौसला रख, का टीजर बहुत जल्द आने वाला है. और दिलजीत दोसांझ ने अभी स्टोरी डाली है जस्ट रात के 1:30 बजे, 14 सितंबर, तो एक्चुअली बहुत असल अच्छी में बात है. हाँ, ये रात के 1:30 है, वहां सुबह वहां के शाम के 4:30 बज रहे हैं ना, तो इस वजह से. यूएसए में है ना करेक्ट. वो, या हाँ हाँ वो लाइन बहुत बेस्ट थी पूजा, बेस्ट लाइन ऑफ दैट सॉन्ग इज तू ही सिद्ध है और तू ही नाज है. लिटरली गूस बम्स आ गए वो लाइन सुन के, लास्ट वाली बड़ी अच्छी लाइन थी वो. या सो मोहित चोपड़ा जो हैं वो इंडियन आइडल में ही आए थे. सो ठीक है, कंफर्म हाँ हो गया कोई कुलदीप जी.
हाँ एक ओके, ना दैट्स इतना व्हाई मैं देखा सोच, होता है, मैंने देखा है कहीं उसको। साउंड आ रहा है, ठीक करो। अब आ रहे, अभी भी आ रहे। अब ठीक है। आप वो ने मेरा एक वो हैबिट देखा था जब बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ आया था, तो कितनी हरकतें वो सनावरी वाली कर रहा था। आपने देखा एक जगह ना हिना आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे चल रहा है। वो बोलता है ना, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, ऐसी ना मैं किसी शहनाज को नहीं, बोलती थी। मुझे कोई नहीं, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं किसी को नहीं हाँ चाहिए, मैं किसी को वही नहीं चाहिए, कहते। वो ना ये बातें उसने ना शहनाज ने सारी बिग बॉस 13 में बोली। आपको याद है जब वो लड़ाई हुई थी और अंदर बैठी वो मदरी माँ के साथ बातें कर रही थी, हाँ तो तब भी उसने बोला था मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे को हाँ कोई चाहता ही नहीं है, मेरे को कोई प्यार ही नहीं करना चाहता, मैं अकेली रह गई। वो वैसे ही वो बातें कर रहा था। मेरे को ना वो बिग बॉस 14 में भी ऐसा ही लगता था कि ये ना उसकी सोच इसमें आ गई है सना की। वो जहाँ दिल करता था लेटता था, बैठता था, और वो जो किचन में क्रिकेट खेल रहा था जैसे सना से करवाता था सारी चीजें, हाँ वो ऐसे सेम ऐसे वही ना, करता ऐसे ऐसे सना थी था। बिग बॉस 13 में, जहां दिल किया वहां नीचे बैठ गई, ये हाँ जहां किया वहां लेट गई, नीचे लेट गई। वो बिग बॉस 13 में ऐसा नहीं था, वो एक नहीं उसका था, एटीट्यूड, एक डिफरेंट ऑरा था, लेकिन बिग बॉस 14 में वो सेम सना ही थी, वो सारी हरकतें उसकी सना जैसी थी। वही तो है। ये जब लाइव चलता था ना, ये लाइव फीड करता था अमन, और ये मरियम उस टाइम कहती थी वो सना बन के फिर रहा है, कोई नोटिस तो हाँ करो। अमन मरियम हमेशा ये बात कहती होती थी लाइव में हाँ ना, कि हाँ वो बना हुआ है वहां पे, वो सना बना हुआ वो वाकई सना बना हुआ था, उसकी सारी हरकतें ही सना वाली थी। तब जैसे सना अपनी चाइल्डहुड स्टोरी सुनाती थी, वैसे है। पूरे बिग हाँ बॉस 14 में उसने अपनी सारी चाइल्डहुड स्टोरी सुनाई है, सारी की सारी। मुझे ना सबसे ज्यादा मजे का पता है क्या सीन 14 में लगता है, जब हिना को कहते हैं ना इंसानों की खासियत देख के उनको रोल दिया जाता है, सही तुम में ना करो यार, इतना वो एपिक डायलॉग था ना उसका। वो उसकी मैं एक्टिंग नहीं यार देखी थी, कैसे कैसे टंग बाहर निकाल के उसको हाँ एक्टिंग करके दिखा हाँ रहा था नागिन की। वही ना, इतना वो क्यूट यार वो मैं ऐसे कहूँ कि वो इतना वो लगता ही नहीं था, वो 6-7 साल का जो बच्चा नहीं होता हाँ जिसको सब हरकतें करनी है और सबसे डांट भी सुननी है और सबको टीज भी करना है, उसने वो था 14 में। सन्ना को मैं बहुत तीज करता था। अभी बिग बॉस वो ओटीटी में नहीं देखा था, कैसे उसकी वो उसकी वो, उसने वेस्ट पे पिंच किया एकदम से, जब वो उतर के आई ना तो साइड पे वो उसको बोल रहा था मैं इस साइड खड़ा होऊंगा, तो आते ही उसने पहले उसको पिंच किया, फिर उसके उसकी लिपस्टिक के लिए उसको टीज कर रहा है, वो कोई भी जगह नहीं छोड़ता था उसको टीज करने की। फोर्टीन भी अच्छा था, 13 तो मैं कहती हूँ एपिक है, इसके जैसा कुछ नहीं आ सकता। पर जितनी मर्जी ये करें या एक्चुअली दो, मैं ना 13 में, मेरे को लगता था कि 13 में ना थोड़ा सिद्धार्थ थोड़ा रिजर्व भी था, थोड़ा वो उसको पता था कि ये मेरा सीजन है, उसको जीतने की भी टेंशन थी, उसको अपने गेम की भी टेंशन थी, लेकिन बिग बॉस 14 में वो पूरा का पूरा मतलब कि अनफिल्टर्ड था, उसको पता था, वो बेफिक्रा था, और वो एक इंजॉय किया उसने जितने दिन रहा, 15 दिन, कोई उसको टेंशन नहीं थी, सिर्फ वो ही उसको हुआ जो वो जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था टास्क की वजह बाद, जो उसका हुआ था 1-2 दिन के लिए, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा चिल्ड था बिग बॉस 14 में। वही ना, वो मेरी कल तो अभी बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि मैंने ना कल लाइव ज्वाइन किया, तो मैंने ना अपनी तो जितना मेरा वो घड़ा भरा हुआ था ना, वो तो मैं कल कर आई हूँ ना, कि मुझे जितना कुछ बोलना था मैं बोल आई हूँ। तो मेरी कजन सिस्टर आगे से कहती, वहाँ राधिका जी थी, मैंने कहा नहीं वो नहीं थी वहाँ पे, क्यों? कहती यार उनको कह के आना, एक थैंक यू कह के आना, क्योंकि उन्होंने ना सिद्धार्थ का पर्सपेक्टिव बहुत से लोगों को समझाया, क्योंकि उस टाइम सब लोग सिद्धार्थ को बहुत गलत मानते थे ना, मीन्स वो गेम खेलते थे तो बाकी उनको समझ ही नहीं आती थी। तो कहती मेरी अपनी आगे उसकी जिन फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो कहती उनको वो मैंने लाइव भेजे थे कि ये सुनो ये था वो 13 में करना चाह रहा। तो मैंने कहा अच्छा आज लाइव में जरूर बोलूंगी इस चीज को ना, कि अगर मैंने कहा मैं गई, क्योंकि कल भी बहुत वो गई थी मैं लेट।
सो स्वीट, आप हमारे लाइफ शेयर करती हैं और फ्रेंड्स के साथ, ये कितनी अच्छी बात है। सो स्वीट ऑफ यू जुनैरा। यार ये मैं नहीं, मेरी कजन बल्कि वो बहुत करती है, उस वो लड़ती है सबके सबसे ना, कि ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं था ऐसा था। तब वो जब उसने राधिका के पॉइंट ऑफ व्यू समझे ना, वो उसने देखे, फिर उसी ने आगे वो करना स्टार्ट किए कि ये देखो ये था सारा कुछ। राधिका का वो उनका बड़ा अच्छा समझाने का तरीका बहुत अच्छा था ना, कि वो ये था गेम। हाँ एक्चुअली वो राधिका जी उसको सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। बहुत प्यारा हाँ डिस्क्राइब। हाँ उसको ना वैसे आप सिद्धार्थ को समझना ना, तो वो थोड़ा है जैसे आप दिमाग में मतलब सारी चीजें रख के, गेम रख के, रिलेशन साइड पे रख के, फिर आप समझ सकते हो उसको। जैसे आपने शिनाज का एक पर्सपेक्टिव समझाया था ना शुरू में आके, उसी तरह राधिका ने सिद्धार्थ का पर्सपेक्टिव समझाया था कि गेम हाँ थी, उस के दिमाग में क्या क्या चल रहा था सब कुछ। एक्चुअली ना उसका जो सिद्धार्थ का ये है कि वो ना चीजों को इतनी जल्दी क्लैरिफाई नहीं करता सबके सामने, तो वो ना वो चीजों को बोलता है, लिखता है, ट्विटर पे भी लिखता था, तो लोग अपने वर्जन के हिसाब से उस चीज को अपने लिए ले लेते थे या दूसरों के लिए ले लेते थे। उसके एक ट्वीट के हर हर इंसान अपना मीनिंग निकालता था उसमें से, एक मीनिंग नहीं निकाला जाता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सरकास्टिक भी था और था सिद्धार्थ, और उसकी चीज को समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, तो इसीलिए वो उसको ना कुछ लोग गलत समझते थे, कुछ सही समझते थे, कुछ लोग अपनी उसके ट्वीट को या उसकी बोली हुई बातों को अपनी तरह करके ना मोल्ड और कुछ भी करके तो यूज करते थे, तो समझने वाले समझ जाते थे, जिनको नहीं समझ आता था वो अपना वर्जन बना लेते थे। ऐसे ही है बिल्कुल। पता है क्या होता था, वो अभी सिद्धार्थ का कोई ट्वीट भी आता था ना, सिद्धार्थ का ट्वीट ऐसा होता था जैसे वो एक नेट का, पता नहीं अब जो पाकिस्तान से होगा वो मुझे होगा, यहाँ पे एक नेट का टेस्ट में ना एक लॉजिकल पॉइंट होता था, आता था पोर्शन आता था हमारे यहाँ ना 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स। मुझे लगता था कि सिद्धार्थ का ट्वीट वो पेपर सॉल्व करने जैसा है, पहले उसको समझो वो कहना क्या चाह रहा है और किसके बजाना चाह रहा है, ये हाल था। एक ना आज मैंने एक और चीज देखी, आज से ना 2 साल, 2018 का ट्वीट है आई थिंक, नहीं 2014 का ट्वीट है उसका, कोई उसकी ना सिद्धियन फैन थी, सुहाना सुहाना सिद्धियन, तो उसने ना उसको सुहाना की जगह शहनाज सिद्धियन लिखा है रिप्लाई में। या वो आज मैंने देखा था ट्वीट, उसमें शहनाज का नाम लिखा हुआ है, हाँ शहनाज मैंने, अंडरस्कोर सिडियन। हाँ मैंने ना वो वाला ट्वीट ना उसका पहले भी देखा था, अमन जो जब बिग बॉस 14 के बाद किसी ने ना वो तब भी किया था रीट्वीट, तो अभी अभी भी किसी ने ना वो करके उसको मेंशन करके तो वो किया हुआ है कि ये कोई डेस्टिनी थी इन लोगों की, 2014 का ट्वीट है वो, कि उसने उस सीडियन को सुहाना सना सुना सुहाना समथिंग ऐसा कुछ नाम था, लेकिन उस इसने ना वो शहनाज सीडियन लिखा हुआ है। तो उसके बहुत सारे ट्वीट आज लोगों ने वो किए हुए थे, मेंशन किए हुए थे, जैसे उसने बोला था कि अपनी आई साइट चेक करवाई थी उसने, तो उसने बोला था 2014 में चेक करवाई थी, तो उसने बोला था कि 6 ईयर तक मेरी आईज मतलब कि ऐसे ही रहेंगी, कि मैं 2020 तक मुझे मतलब कि मैं वहां तक का वर्जन देख सकता हूँ, तो किसी ने लिखा था कि तुमने 2021 का क्यों नहीं बोला, कि उसको पहले ही पता था कि उसने सिर्फ 2020 तक बोला था, कि उसके काफी ट्वीट्स ऐसे हैं अगर उनको देखो ना तो ऐसा लगता है कि वो जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है उसमें। ये तो है, ऐसा ही है बिल्कुल। हाँ क्योंकि कुछ उसकी ट्वीट उसके, जैसे उसने कहा था कि मुझे कुछ कहना नहीं है बट आई लव यू ऑल, या आप फैन नहीं हो फैमिली हो, हाँ
वो, और जिस तरह उसने इस दफा के रक्षाबंधन वाला ट्वीट किया था यार, हाँ वो इतना स्वीट जेस्टर था सबके लिए कि मुझे प्रोटेक्ट, सोशल मीडिया पे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, और वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक्चुअली ना उस इन लोगों की स्टोरी देख के ना, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा बिलीव होने लगा है डेस्टिनी पे, कि डेस्टिनी होती है. यार मेरे 2014 में सिद्धार्थ को भी नहीं पता होगा कि 2012 में तो सना ने अपनी 12th पास की, ठीक है, हाँ उसको क्या पता होगा कि कौन लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली है। 2014 में आई थिंक सो वो आई थी ना मूवी, क्या नाम है, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, हाँ हाँ वो मूवी आई। उसके बाद 16 में सिद्धार्थ, सना ने तो ज्वाइन ही 15 के एंड में किया ना जाके, हाँ शोबिज में आई है, तो वही ना, उसको भी हाँ नहीं पता होगा कि कहाँ वो जब वो कहता था कि पंजाबी बच्चे मुझे, एक अनसीन अनदेखा में नहीं कहता, पंजाबी बच्चे मुझे इतने क्यूट लगते हैं ना, दिल करता है इनको घर ले जाओ। हाँ वही ना, जिन लोगों, लोगों मुझे जो सिद्धार्थ का ट्वीट पसंद है, जो उन्होंने लास्ट ईयर 25 सितंबर 2020 को ट्वीट किया था, व्हाट यू डू टुडे डिसाइड योर फ्यूचर, यू ओनली लिव वंस, मेक इट काउंट, लिव लाइक अ लॉइन, इवन इफ दैट इज फॉर अ डे, रेदर देन लिविंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक अ सीप. इस ट्वीट से मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है. ये या मेरा सिद्धार्थ का फेवरेट ट्वीट है. आज उसने कैन ने वो मेंशन करके उसको किया था ना. आज उसने वही स्टोरी डाली थी कैन ने. इसकी सारी बातें सच हो गई, ये दिखता है इसके ट्वीट से. वी लव यू सिद्धार्थ, ऑलवेज एंड फॉर एवर. जिन लोगों को अभी भी नहीं बिलीव होता, मैं तो कहती हूँ एक बार फिर बिग बॉस 13 देखो. जब भी हम कुछ देखते हैं ना, तो नया ही निकल के आता है. मैंने आज एक सीन देख रही थी, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार नोटिस की है, लेकिन आज मैंने उसको दो तीन बार रिवाइंड कर करके देखा. तो सच में उसने ऐसा बोला था, जब वो बोलती है ना शुरू शुरू में फर्स्ट पड़ाव में, जब वो बोलता है कि, बोलती है कि तेरे को रश्मि से ज्यादा प्यार है, जब वो बोलता है कि तू बता मेरे को रश्मि क्या बोल रही थी, तो वो बोलता है तेरे को देवो से ज्यादा प्यार है, तो वो बोलती है हाँ देवो से है, तो बोलती है ये फिंगर, दो फिंगर्स करती है कि इनमें से चूज कर, तो वो उसका कहते हाथ हैं पकड़ के बोलता है मैंने तुझे मैंने इसको चूज किया. एंड इट वॉज वेरी क्लियर कि उसकी आंखें और उसका बोलना, शहनाज तभी समझ गई थी कि वो क्या बोल रहा है. शी न्यू वेरी वेल कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको सब पता पता था शहनाज. कुलदीप, मुझे लगते मुझे मुझे जहां तक फील हुआ, जितना सना को समझे, सना एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इनोसेंट, वो साथ में सब कुछ थी, वो भोलापन भी उसका साथ में लगता था, इंटेलिजेंट भी थी, वो डम भी अपने आप को दिखा देती थी कि मुझे समझ नहीं आई इसने क्या कहा है, क्योंकि सलमान खान की बातें उसके सर के ऊपर से ही गुजरती होती थी सम टाइम, तो क्योंकि वो देख कहाँ रही होती थी, वो जैसे ही अपना एक लाला लैंड में नहीं होते, हम भी कभी क्लास में बैठे हो तो अपनी फैंटेसी चल रही होती है कि काश हम वहां होते, क्लास में हाँ ना होते। हाँ एक्चुअली ना वो ना गुड लिसनर, उन्हें उसने शुरू में बोला था शिवा शी इज नॉट अ गुड लिसनर. वो गुड लिसनर नहीं है, वो जैसे होता है ना कि हम बैठे हैं कहीं तो अपना ध्यान ही नहीं उस, वो आपको जब आप बार बार सुनते हो तो वो जो ज्यादा ज्ञान की बातें आपको बोरिंग लगने लगती हैं, है ना, ऐसा हो जाता है. वो होता है ना कभी कभी क्लास में, अगर वो एक फिलोसफी की क्लास चल रही है तो फिर बंदा सोचता है कि सो जाऊं मैं. एग्जैक्टली वो होता है वो क्लास हाँ ये वो था हाँ जो जो सुझाव दे रहे हैं सलमान सर. वो सिद्धार्थ उन चीजों को बड़े ध्यान से सुनता था, उसको पता होता था कि इसमें ही गेम के नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हिंट है. तो वो मैडम तो गेम खेल ही नहीं रही थी, वो तो अपनी जिंदगी जी रही थी, मौज कर रही थी वहां पे. उसको वो ना सलमान सर की बातें सुनती थी, उसके ना ऊपर से वो निकाल देती थी. वो देखा नहीं था जब सिद्धार्थ की और मोमो की इतनी बड़ी लड़ाई मैं हुई भी थी, यही तो वो बात कर सो रही रही थी, थी. सो रही थी।
मैं यही बात कहने लगी थी अभी कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, वो एक लेक्चर दे रहा है औरतों के ऊपर, इक्वेलिटी के ऊपर, वो अपना मैडम को नींद से बुरा हाल है कि यार बकवास बंद होनी है ये कहीं नहीं वहां पे भी। और है ना एक वो भी है, एक और था वो जब फर्स्ट फाइट हुई थी आसिम और सिद्धार्थ की संतरे वो वाली, वो सिद्धार्थ सलमान सर सीरियस बातें कर रहे हैं, वो हंस रही है। वहां पे भी तो नहीं है, वहां पे जब पारस और उसके वो पाप की वो पोटली वो भरनी हुई वो करना देने, तो कहती है सर पकाओ रीजन नहीं होने चाहिए, बस जल्दी जल्दी खत्म करो, एक ही या दो रीजन तो बस हाँ बस जल्दी जल्दी खत्म करो वो। करो उसको ना यार। होता था कि ये क्या ज्ञान की बातें बोल रहे हैं क्या, वो बोलती नहीं है। एक बार एक अनसीन अनदेखा में बोलती तो है सिद्धार्थ को कि मैं ना, मेरे को ना ज्ञानी लोगों के साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ज्ञानी बात लोगों की बातें नहीं सुन सकती। तो सिद्धार्थ बोलता है तुम शिट, मुझे तो कितना वो फील हो रहा है कि मैं तो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था, तुम मेरे साथ बैठ रही है इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। नहीं हूँ तो वो वो मैं बोलती, क्या वो बोलती है कि नहीं, तू जब मेरे साथ होता है तो फिर मेरे जैसा ही हो जाता है ना, तो इसीलिए फिर मैं तेरी बातें सुन लेती हूँ, अदरवाइज बोलती है मुझे तो खुद इतना ज्ञान है तो मैं क्यों ज्ञानी लोगों की बातें सुनूं। एग्जैक्टली ओह माय गॉड, शी इज अ फन, एक्चुअली शी इज अ फन। उसकी बातें सुन सुन के तो वैसे ही बंदा भाग लग जाता है। एग्जैक्टली उसका ना वो कहते ना अपने मन अपने हिसाब से जी रही थी, मैं ही सब कुछ, वो सिद्धार्थ उसको कहता नहीं तुम्हारे जो अपने ही वो जो लाला लैंड तुमने बनाया हुआ है ना तुम अब कुछ नहीं हो कि सब कुछ मेरा। हाँ वही तो, क्या वही जुनैरा, और बोलो और क्या है तुम्हारे मेरे मन में? मन में क्या है यार, आज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं तो आज सबको बताया, आज मैं ऑफिस जो इतने अरसे बाद गई तो आज हमारी मीटिंग थी जूम, और मेरे हेड मुझे कहते हैं आपके किसकी डेथ हुई थी, वो मुझसे ताजियत कर रहे थे, मैंने कहा ओ सर मेरे वाह, बहुत क्लोज कितनी कितनी ज्यादातर ने, ये कौन सी पाकिस्तानी उर्दू बोली है, एक और बार बोलना। ताजियत, अब मैं ना कंडोलेंस बोलना नहीं चाह रही थी तो मैंने कहा ताजियत ही बोल देती हूँ, वो यही कह रहे थे तो ना वो, अब मैं हंस रही हूँ सॉरी, उस टाइम तो मुझे खुद भी बहुत हुआ, पूरा हेड मुझे बोल रहे हैं कि क्या हुआ क्या था, मैंने कहा सर वो बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड की डेथ हुई थी ना तो इसलिए मैं 1 वीक नहीं आ सकती, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम किया ना, तो कहते नहीं अच्छा आप वो यहाँ पे पाकिस्तान में थे, मैंने कहा नहीं सर वो अब्रॉड में थे ना, अब मैंने कहा अब मुझसे मजीद इन्होंने डिटेल्स पूछी और इनको जब पता चला कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो ये पता नहीं अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इससे पहले कि मैंने इतना इनोसेंट बच्चा बन के, मैं कहा निकलो यार यहाँ से बाहर, मैं कहा सर मैं जाऊँ मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती, मैं फिर दुखी हो जाऊंगी और फिर मुझे रोना भी आएगा तो फिर मीटिंग भी खराब हो जाएगी, तो मैं जाऊँ कहते हाँ, कहते नहीं एक्चुअली कोई हम बात उन लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर आप बोलते ना कि वो कोई एक्टर था जहाँ ऐसे, तो फिर जब सामने वाला मजाक बनाता तो फिर गुस्सा भी आता है। एग्जैक्टली वो हाँ पते वो नहीं समझ सकते कि किसी एक्टर के लिए ये कर रहे हैं ये क्या हो रहा है। हाँ उन लोगों ने को नहीं ना पता कि हमने उन लोगों को जिया है, हम लोगों ने उनके साथ सब वो फीलिंग्स देखी हैं, शेयर की हैं, हम लोगों को पता है हमारे लिए वो क्या है। जिन लोगों ने भी बिग बॉस 13 नहीं देखा उन लोगों को नहीं पता कि ये फीलिंग्स क्या होती हैं और क्या है ये। ना मैं आज अपना वो बता रही, मैंने घर आके भी बताया, अपनी सिस्टर को भी बताया मैं ना, और ना मेरे फादर कहते ये अब मुझे बताओ तुमने और किस किस को बताना है या और कितने दिन, मैंने कहा आपको नहीं दुख हो रहा, ये सेम सिचुएशन ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुलदीप, मेरी जो मदर थी ना वो जगजीत सिंह की बहुत बड़ी फैन थी ना, एक्सट्रीमली फैन, नहीं होते जो जी बहुत ज्यादा, तो जब उनकी 2011 में डेथ हुई ना तो मेरी मॉम पूरा 1 महीना चुप, किसी से बात नहीं कर रही, खाना नहीं खा रही, कुछ नहीं कर रही, और हम ना अम्मा का मजाक उड़ाते होते थे, अम्मा क्या हो गया यार उनकी एज थी वो चले गए, नहीं तुम्हें पता है उसके पीछे सिर्फ वाइफ है, उसकी बेटी ने भी वो सुसाइड कर लिया, बेटा 1990 में डेथ हो गई, अम्मा को पूरी हिस्ट्री याद होती थी ना उसकी,
तो मम्मा को कहती, अम्मा क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता. कहती तुम्हें क्या पता अकेली वाइफ कैसे जिंदगी गुजारेगी, तुम लोगों को बातें आती हैं, इतना अच्छा इंसान सडनली कैसे जा सकता है. और अम्मा ने ना उसके लिए कॉन्सर्ट के लिए टिकट बाय किए थे दुबई में, उसका कॉन्सर्ट था ना उसके डेथ से, तो ना उनकी डेथ से पहले. और मुझे ना जब ये वाली फैन फॉलो, मुझे ना मेरी सिस्टर ने कहा हम अम्मा का मजाक उड़ा रहे थे उस टाइम, हम अम्मा को तंग कर रहे थे कि अम्मा अब ऐसे पता कैसे चल होता है, रहा है कौन ना, से, अब अब पता पता चलता है चल रहा ना। है. हाँ जुनेरा और बताओ इस बारे में, बहुत ही मुझे सच में अच्छा, क्या कहूँ, मेरे दिल भर आया ये बात जो तुमने बोली। आज देखो वही हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ वही सेम. मेरी सिस्टर ने जब कहना कहती तो उस टाइम अम्मा को किस तरह कह रही थी, तो मैंने कहा यार कसम से हम अम्मा को, मैं हॉस्टल से बकायदा आई थी, मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि अम्मा की तबीयत नहीं ठीक तो तुम्हें आना पड़ेगा, तो मैंने कहा अच्छा मैं वीकेंड पे आऊंगी घर. और मैंने आके देखा अम्मा खाना नहीं खा रही, बीपी हाई. मैं कहा अम्मा हुआ क्या यार जी. उनकी वो पता है वो पहले आईसीयू में रहे वो दो, वो अम्मा ने पूरा इतना किया ना, तो मैं अम्मा को ये कहती थी अम्मा ये कौन थे, अम्मा कहती तुम्हें पता भी है मैं कब से इनकी फैन हूँ. हम अम्मा को कहते थे अम्मा यार कुछ नहीं होता, हो जाता है, उनका लिखा ही ऐसे था. और अब वो बातें जब अपने पे अप्लाई करने का टाइम आया ना तो यकीन नहीं हो रहा, अगर ऐसा हमें थोड़ी होता हमें कोई मजाक करता है, अगर हमें कुछ है. ऐसा कुछ हाँ बोलता है ना किसी को, पता है तो गुस्सा गुस्सा आता है, दिल करता है इसका गला दबा दूं, ये बोल कैसे रहा है ऐसे, है हाँ ना। ऐसे कैसे. या जुनैरा, हाँ जी सो हाँ आप जी तुमने अपनी मॉम को बताया इस बारे में, उनकी सिडनास मॉम के बारे में? नहीं है, मेरी मेरी मॉम नहीं है. ओह सो कल सॉरी। बताया तो था उसने कि मैं आ गई थी जॉब छोड़ के जब मॉम को ऐसे हुआ था. ओ, वो कब चली गई? हाँ वो उनकी डेथ हुई थी 2018 में जी. 18 में? ओ, तो बस सो सॉरी, सैड टू हियर दैट। चलो अब पता तो चला, इससे पता चलता है कभी किसी का मजाक मत उड़ाया करो, क्या पता आपके आपके लाइफ में भी वो पल आ जाए। सच में ये जरूरी बहुत बड़ा लाइफ का अमर, लेसन है। जितनी देर आप उस चीज से खुद गोइंग थ्रू नहीं करते ना, आप खुद नहीं गुजरते, आपको नहीं पता चलता कि अगले वाले की फीलिंग क्या है. हम लोगों को नहीं पता होता था कि फैन फैन बनना भी और किसी से अटैच होना, ऐसी फीलिंग भी किसी के साथ हो सकती है. मैं तो सोच भी नहीं सकती थी अपनी लाइफ में. आप सब लोग मुझे, हेलो यस यस सुन रहे राधिका हैं। जी, हाय हेलो। हाउ आर यू गाइस डूइंग. या कहाँ से हैं आप? मैं यूएस मिनेसोटा से हूँ. ओ या अभी मैं मिनेसोटा। बेटी को पिक करने गई थी उसके स्कूल, सो घर आके ज्वाइन किया है लाइफ को. हाँ अमेजिंग, क्या बोलना चाहेंगी, आप कैसे बनी सिन्हास की फ्रेंड? ओ सिद्धार्थ के फैन. सो 2019 में एज अ लैब टेक काम करती थी यहाँ अलाइना क्लिनिक में, एक क्लिनिक का नाम था. सो वहाँ मैंने काम करते वक्त एक नेपाली, आई एम फ्रॉम नेपाल, ओके एक्चुअली आई एम फ्रॉम नेपाल. सो वन आई मैंने एक नेपाली लड़की को वहां मिला, उसने मुझे कहा कि बिग बॉस देख रही हो या नहीं. सो मैंने कहा नहीं, कहाँ देखना है, क्या हुआ क्या क्या. उसने कहा कि ये लोग आए हैं इस बिग बॉस में, सो इफ यू वॉच इट यू गोना यू नो एंजॉय इट. सो मैंने सुना सिद्धार्थ रश्मि हर नेम. सो जब मैं नेपाल में थी तो वी यूज टू वॉच अ सीरियल, एंड उसकी वजह से मुझे रश्मि पता था. सिद्धार्थ तो मैं पहले से ही फैन थी, एंड उसकी वजह से मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया. मैंने शुरू से नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि कैसे देखते थे सीरियल और कहाँ से देखना था. और सो मैंने ऑनलाइन जाके सर्च ढूंढना शुरू कर दिया. सो उसके बाद जब मैंने वो फ्लश्मी को झगड़ती हुई देखा, सिद्धार्थ को टॉन्ट मारते हुए देखा, सो आई स्टार्टेड हेटिंग हर सो मच. और सिद्धार्थ को पिटी फील करने लगा, लगी क्योंकि इस बंदे को क्यों ये ऐसे बोल रही है काइंड ऑफ थिंग. और उस वक्त मुझे सना
सना पे मेरा ध्यान जा रहा था. सना और सीट का नेचर ऐसा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के जैसे है. मेरा हस्बैंड लॉजिकल, मैं सना की जैसी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट सो आई गॉट सो इनटू देम एंड आई स्टार्टेड लाइक यू नो वॉचिंग देम. एक बार ऐसा भी हुआ था कि मैं लैब में थी और एक पेशेंट आ गया और मुझे कहा कि पुट योर फोन डाउन एंड गो टू योर पेशेंट, बिकॉज मैं इतनी लाइक यू नो ध्यान से वो सिग्नल्स मूवमेंट देख रही थी. यू नो आई वाज सो डाउन टू देम. सो लाइक या उसी वजह से शुरू हो गया था. सो सिग्नल्स की बॉन्डिंग, उन दोनों ने लाइफ के लाइक हमारे लिए कितना कुछ सिखाया है. अभी तो सिर्फ चला गया, लेकिन उसने इतना कुछ सिखा के चला गया कि हम उसको मरते दम तक यू नो नहीं भूल सकते, राइट? गाइस ये नेपाली हैं, इनकी हिंदी से ही आप समझ सकते हो, मगर ये कितना ट्राई कर रही हैं बोलने की. बहुत अच्छे रसिका जी. नहीं पहले तो जब मैं यू नो बिग बॉस के पहले जब मैं हिंदी बोलती थी तो सब लोग हंसते थे. मैं देखती थी इंडियन हूँ, मुझे इंडियन लोग जब बाहर मिलते थे तो सो आर यू फ्रॉम मुंबई, आर यू फ्रॉम मुंबई, आर यू फ्रॉम इंडिया, यू लुक लाइक अ मुंबई गर्ल, दे ऑलवेज आस्क मी लाइक दैट. सो मुझे हिंदी नहीं आती थी. बिग बॉस के बाद मैंने यू नो सीखा सिग्नल्स के लिए हिंदी. मैं लिखती बहुत अच्छी हूँ, बोलना उतना नहीं आता है मुझे. क्या कहूँ उसके बारे में, उसने तो जीना ही सिखा दिया है हमें. हंसना, मुस्कुराना, प्यार बांटना, लोग होते हैं ना लाइफ को सीरियसली ही लेते हैं. ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइफ छोटा है, सीरियसली लेना चाहिए. लोग उस टाइप का लोग भी होते हैं, लेकिन सना ने हमें हंस के मुस्कुरा के हंसाते जीना सिखाया है लाइफ को. एंड नाउ मैं प्रे करती हूँ कि वो वापस आ जाए जल्दी और हम उसको इतना प्यार बांटे, इतना प्यार बांटे कि वो सब कुछ भूल जाए. भूलना तो मुश्किल है, लेकिन यू नो वो मेमोरी के साथ वो जीना सीखे फिर से. क्या कहूँ, सो सो स्वीट. या सो मैं आप सबको एक बात मुझे बोलना है. क्या वो क्या है कि सब दूसरे लोग के फैंडम सब एक हो गए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि वो पाहिरा और अदर लोग उसने अभी तक सीड और सना को ऐड नहीं किया है, उन लोगों को यू नो फॉलो नहीं किया है. दे आर यू नो कीपिंग देयर फ्रेंडशिप विद अदर पीपल, राइट? सो ये सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सीड की माँ के बारे में बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहे हैं, वो सब अपनी टीआरपी के लिए, यू नो उन लोगों का फैंडम बढ़ाने के लिए, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कर रहे. हम उसमें नहीं खोना चाहिए, नहीं ट्रस्ट करना चाहिए उन लोगों को. हमें सीड और साना को ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक दे आर गुड पीपल. जब सीड जिंदा था तो कोई भी नहीं आया सीड के पास, कभी भी फॉलो नहीं किया सीड को, अभी भी नहीं कर रहे. उन लोग को दस्ती तो आगे बढ़ा रहे हैं, आसिम, पारस, माहिरा, उन लोगों का, लेकिन सना को किसी ने फॉलो नहीं किया है अभी तक. So I don't trust them, and I ask you guys to not trust them too. Sweet. क्या कहते हैं कुलदीप जी, कैसी लगी आपको? फर्स्ट टाइम आई है ये? नहीं, अच्छा बोल रही है वो, मैं सुन रही हूँ. अब बोल. आप बिलीव करते हो मैंने अभी तक वो जेलसी वाला टास्क नहीं देखा है? मैं देख नहीं सकती वो टास्क, या आज तक मैंने नहीं देखा है. एंड वो जो सीट का जो ब्रेकडाउन था ना, मुझे वो डायलॉग टू डायलॉग याद है, मुझे वो बहुत पसंद आता है. उसमें वो दिखता है कि कितना प्यार करता है वो सना से, कितना उन दोनों का रिलेशन कितना प्योर है वो हमें दिखता है वहां से. एंड एक बार जब मैंने बिग बॉस देखना चालू किया तो मैंने फील हुआ कि सिद्धार्थ तो पहले से ही सना से लट्टू था. सो फर्स्ट इंट्रेंस से ही यू नो सना की इंट्रेंस एपिसोड से ही वाज इनटू सना. एंड
वो फ्रेंडशिप से शुरू करना चाहता था एवरीथिंग, लाइक ही वांटेड टू नो सना फर्स्ट एंड एवरीथिंग. ओके, एंड उसने कई बार कहा भी, लाइक यू नो, वो ग्लास ग्लास रूम में दोनों बात कर रहे थे ना, मैं क्वाइट लाइक मैं लाउडली बात किया तुमसे, मैं तुमसे लाइक करता हूँ तो इसलिए लाइक समथिंग लाइक दैट. एंड उसके बाद बाहर आने के बाद हक करते हैं और उसने बोलता है आई लव यू और समथिंग लाइक दैट. दैट टाइम ऑल्सो ही सेड दैट, एंड दैट काइंड ऑफ मोमेंट proves that he is totally into Sana, and I do believe that. And so wo secret room ki baat to kahani palat gayi, un logo ka like you know khulam khulla kind of chala gaya, like you know they both realized their you know bond, and un logo ne like you know chip chip ke karna chalu kar diya, I guess, which like you know Big Boss people didn't show us. And I believe that their bond एकदम ही प्योर था, एकदम ही प्योर था, लाइक आई कैन't इवन एक्सप्लेन. आपके शब्दों से, आपकी बातों से लगता है कि आप कितनी स्वीट हो, कितने एग्जैक्टली मंद 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 नेपाली बहुत क्यूट होते हैं. ओह, एंड मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, मैं नर्स थी पहले, और एक हमारी रचना जी है नेपाल से, वो तो भैया डिकोडिंग पे उतर आए पे तो किसी को नहीं छोड़ती. आई लव दैट. आई यू मैंने सुना है उसका भी, मैं लाइव में रोज आती थी पहले भी, अभी तक आती रहती हूँ, लाइक मुझे पसंद है. अभी तो मुझे माइंड डाइवर्ट भी करना है, आज का दिन बहुत ही बुरा गया है मेरा, लाइक इसके बारे में बात ही मत नहीं करना चाहती मैं, लेकिन मैं लाइव तो पहले से ही सुन रही थी डेढ़ साल से, लाइक यू नो. एंड मेरे हस्बैंड को भी मालूम है मैं कितना क्रेजी हूँ सीट के लिए, लाइक उसने तो जब मैं हमने सुना ना सीट और साना अमेरिका और यूके आ रहे हैं और वीजा के लिए गए हैं उन लोगों, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि दे आर कमिंग टू अमेरिका, एंड ही सेड दैट जो कोई भी स्टेट में आए मैं तुम्हें भेज दूंगा मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था. एंड सो 2 सितंबर को वो न्यूज आया, सो मेरे हस्बैंड के साथ जोर जोर से रोई. सो ही सेड दैट मुझे बुरा लगा इस बात की, लाइक वो चला गया, मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा इस बात की कि तुम मुझसे मिल नहीं पाई. सो ही सेड दैट एंड या आप ही के हस्बैंड, पता नहीं किसने मुझसे कहा था कि जब उनको पता चला उनके हस्बैंड भी उनके साथ रोए. नहीं, मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया मुझे, मैं आज भी रोती हूँ. वो लाइक साथ देते हैं, लाइक आज तो वो ऑफिस गया है, लाइक यू नो मैं अकेली थी, मुझे बहुत लाइक यू नो हार्ड टाइम से गुजरना पड़ा आज, बट या ही सपोर्टेड मी अ लॉट. एंड ही सेड दैट वी विल प्लान फॉर अ ट्रिप टू इंडिया, साना वापस आ गई तो हम इंडिया जाने का प्लान करेंगे और मैं तुम्हें उसे भी मिला दूंगी, डोंट वरी, ही सेड दैट. स्वीट. या I hope she will come back soon. Yeah, I can't, like, usko dekhne ka, like, you know, I don't know how to say, like, I can't wait to see her. Uska bas ek jhalak dekhne ka man karta hai, abhi. So, be strong, Raska ji. Ab to aage badhna hi hai, Sana ke liye, Siddharth ki family ke liye. सही सही सही. या सो यही तो लाइक यू नो जिंदगी है, राइट, वी हैव टू मूव ऑन. सो लाइफ एंड डेथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, लाइक यू नो बर्थ एंड डेथ लाइक या पार्ट्स ऑफ द लाइफ, सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट. बुरा लगता है, दर्द होता है, लेकिन क्या करे, जाने वाला जा चुका है, जो है यहाँ पे उसे सपोर्ट करो, उसे प्यार करो, उसे जीना सिखाओ, और आप भी जियो अपनी मॉम पेरेंट्स लाइक यू नो हस्बैंड फैमिली सबके बारे में सोचो. यही है लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन, राइट. या दैट्स ट्रू. या अभी तो अमन इनका नाम क्या है, स्नेहा जी पूछ रही है. इनका नाम है रशिका, और मेरी नीस का नाम जो है रसका है, वो छोटी है, 5 ईयर ओल्ड है. आपको रशिका का मीनिंग पता है? रशिका का मीनिंग मैंने पूछा था नहीं है. इट्स लाइक प्रोटेक्टर ऑफ गॉड. क्या दोबारा?
प्रोटेक्टर ऑफ गॉड, प्रोटेक्टर ऑफ या थैंक यू. सो यही है, मुझे यही कहना है. मुझे लाइक फ्लो में बात करना नहीं आता, कोई सवाल पूछे तो मैं आंसर दे सकती हूँ. थैंक यू ऑसम स्नेहा. हाय रशिका, आप बहुत प्यारा हिंदी है. आई सॉ दैट. यू आर सो सॉफ्ट इन योर वॉइस. ओह थैंक यू. ऑन द अदर हैंड हिमानी जी ऑन फायर. मैं अभी यही बोलने वाली थी, काश कोई मेरे को बोल दे यार हिमानी तेरा आवाज भी बहुत सॉफ्ट है. नहीं कड़क है, कड़क सॉफ्ट नहीं है. नो या एनीवेज मेरा आवाज थोड़ा ऐसा हॉर्स बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में कैसे उसको समझाने का. नहीं एक्चुअली चाइल्डहुड में मेरे फ्रेंड्स हॉर्स तो नहीं है, आपका आवाज क्वाइट लाउड है. नो Really? Because मेरे को बचपन में सब मुझे ऐसा बोलते थे कि तेरा आवाज रानी मुखर्जी के जैसा है. नहीं 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 actually ये बहुत कॉमन टोन. सॉरी टोन. So I wanted to answer one question here. So someone asked me, Rashika, how did you find Aman? So जब मैं काम पे होती थी, sometimes हमें patient भी लेना होता था काउंटर में रह के. जब patient नहीं आता था तो मैं every time like Instagram में होती थी. So like you know Instagram सिपना सिप की फोटो, सना की फोटो, like by there, like you know, I found Aman from there. Like I myself found him. फीड्स पे बहुत आते थे इनिशियली, वो इंस्टाग्राम के फीड्स पे अमन 2020 में बहुत स्टार्टिंग में दिखते थे. सॉरी सिडनास अपडेट भी आपका ही है राइट? लो रामायण खत्म हो गई है. मैडम पूछ रही है कि राम और सीता कौन थे. ओ माय गॉड नहीं है. हाँ. अरे शुरुआत तो सिडनाज अपडेट से ही हुई थी. वही जा रही थी कि मैंने पहले सिडनाज अपडेट को फॉलो करा था एंड देन फिर ये बीइंग अमन को करा था. पहले मैं सिडनाज अपडेट पे लाइव करता था 2020 में. 2021 में मैंने स्टार्ट किया है अपना ये पर्सनल अकाउंट बना के बीइंग अमन पे. हाँ पहले सिडनाज पे ही लाइव आते थे ना सिडनाज. So someone asked me their beautiful moments of Sidnaz. So beautiful moment जब सिड सीक्रेट रूम से वापस आता है और उन लोगों को लाइक मिलवाता है बिग बॉस वो, और सिद्धार्थ का ब्रेकडाउन मेरा फेवरेट मोमेंट. एंड सिडनाज सोनम जी, हाय रशिका, आई एम फ्रॉम नेपाल. सो हाय, व्हिच पार्ट ऑफ नेपाल आर यू फ्रॉम? Parvin Dar Nandri, beautiful Rashika, you are such a doll. Thank you. Hi, मैं बस hi बोलने आई थी. Hi Radhika ji. Hi Radhika ji, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सब लोग ठीक हो? सब बढ़िया. आप बताओ. Very good. Radhika ji, कल आपने वो थोड़ा लाइव सुना होगा हमारे, वो विद्या जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, आप उसका आंसर दे दें. क्या वो पूछ रहे हैं? क्या सवाल था भाई? आप सिद्धार्थ से क्या पूछती? हाँ तो मैंने वहाँ पे जवाब दे दिया, मैं उसके साथ बैठ के डिकोड करती गेम. हाँ कल दिया था. हाँ और कैसा फील कर रही हैं आप? हाँ कैसा फील कर रही हैं आप? मैं ठीक. 13 डेज कंप्लीट हो गए. हाँ हाँ आप सब लोग ठीक हो? यस फर्स्ट क्लास. वेरी गुड. हाँ बस सही है. मैं बस I just wanted to check on everybody. Hope everyone's doing well. अच्छा लग रहा है सुन के, सब लोग अच्छा कर रहे हो और अच्छा फील कर रहे हो. टेक केयर एंड I'll talk to you guys later. Yeah? Yeah. Okay. Bye yeah. Man. Take care. Bye. Hello Vidya ji. Hi Aman. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ. आपका कल का लाइव बहुत ही पसंद आया, आपने बहुत ही अच्छा बोला. ओके मैंने मैसेज इसीलिए किया था कि
अनोइंगली मैंने कुछ आई होप आई डिडंट ओवरस्टेप एनीवन नो नो कल जो आपने बोला है आई वाज शॉक्ड यू आर वेल स्पोकन मैं तो दंग रह गया आप फर्स्ट टाइम आई थी अच्छा अच्छा ठीक है या थोड़ा लाउड बोलिए मैंने ना अमन इसीलिए लाइव रिक्वेस्ट नहीं भेजा था आज बिकॉज मैं ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे लगा शायद आप लोगों को डिस्टर्बेंस मिलेगा अननेसेसरी फ्रॉम माय साइड कोई बात नहीं म्यूट पे चले जाइए आप जी जी ठीक है हाय अनु जी हाय अमन हाय एवरीवन कैसी हो आप बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं हाँ मैं ठीक हूँ बिजी थी थोड़ा पर्सनल लाइफ अब, में अब कैसा फील कर रही हो मैं ठीक हूँ अमन अभी तो मतलब रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया है जस्ट प्रेइंग एंड होपिंग कि शहनाज भी इस चीज को पॉजिटिवली धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ले और ठीक रहे दैट्स इट और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में तुम लोग कैसे हो सब ठीक हो सब फर्स्ट क्लास आपको तो पता ही है मेरा तो मैं तो डेली लाइव आता हूँ वेरी गुड कैसे हम लोग कनेक्ट बना रहे या और बताओ मैं क्या हाल है क्या चल रहा है क्या कर कौन है ये क्या कर रहा है कुछ नहीं मैं कटर कटर मैं कुछ ढूंढ रही थी या Yes, true. Now everything is in God's hand. भगवान से बिल्कुल आज के दिन true sense में बोलते हैं कि शरीर छोड़ता है एक soul और भगवान के साथ जुड़ जाता है. So everybody let's pray together कि सिद्धार्थ भी अच्छे से peacefully उसके destination में पहुंच जाए. और हैप्पीली आई मीन वहाँ पे वो रहे और प्रोटेक्ट करे शहनाज को ऊपर से ही गाइड करता रहे जैसे वो यहाँ करता था दैट्स ऑल वी कैन प्रे फॉर बोथ ऑफ देम उनका उनका प्यार तो अमर है मतलब अमर हो गया है सो उस चीज़ को अब कोई नहीं बदल सकता जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ती रहती थी फैंडम वॉर्स होते थे इतना कुछ होता था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया क्योंकि इनका लव फॉरएवर हो गया है सो उस बात पे अब हमें कोई टेंशन नहीं है सो लेट्स जस्ट प्रे फॉर गुड हेल्थ फॉर शहनाज और आप सब भी ठीक रहिए फैमिली को ठीक रखिए खुश रहिए दैट्स ऑल वेरी ट्रू अनु जी इंशाल्लाह आमीन टू दैट आमीन टू हेलो हेलो अमर हाय आपका नाम एवरीवन मेरा नाम आरती है आपको बताया मैंने फेक आईडी बनाई थी आपके कहने पे अरे भैया आप नहीं छोड़ोगी पीछा है फिर आ गई नहीं मैं दिल कर रहा था कि आज 13वां है ना तो अरदास करनी चाहिए ना नो कंप्लीट हो गए 13 डेज आज 14 डेज है मतलब शायद वो बाहर यमन तो हमारे लिए 13 चल नो नो वो पाकिस्तान नहीं, नहीं, पाकिस्तान से हूं ओके ओके इनके साथ हमने फर्स्ट लाइव किया था जिसमें इन्होंने हमें नॉलेज दी थी थोड़ी उसके लिए थैंक यू आरती जी डॉक्टर हैं ये ओ हेलो आरती हाय ये वो आरती नहीं कौन, है कौन ये कौन है लाइव हमारे साथ लाइव में हमारे साथ विद्या जी हैं विद्या जी फ्रॉम टेक्सास और अनु जी फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड आरती जी फ्रॉम पाकिस्तान हेलो टू एवरीबॉडी आपके यहां सारे बाहर के आते हैं मोस्टली जब रात के लाइव रात के 3 बज रहे हैं तो बाहर से ही तो आएंगे तो मैं तो आ गई हां आप इंडिया के नहीं होते इंडिया के भी होते हैं जैसे आयशा हुई प्रीति जी हुई जस्सी जी हुई हाँ इंडिया से भी आते हैं मगर वो
कभी कभी पहले आते थे, पहले यशाल आती थी, वो भी इंडिया से है ना? नो नो, वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान, पाकिस्तान से कौन आता? पाकिस्तान से जुनैरा नहीं आई थी कल? हाँ वो जो मेरे साथ आने वाली थी, फिर वो नहीं आई थी। हाँ वही, आज भी आई थी, अच्छा लाइफ था उनका। सही। हेलो आरती, अंजू जी कह रही हैं, हेलो आरती आपने कल बहुत अच्छा बोला था, सारा लाइव सुना यूट्यूब पर। थैंक यू। हाँ जी विद्या जी बोलिए। नहीं मैं बस ऐड करना चाहती थी इवन जो अनु ने कहा था, अनु जी ने कहा था उस पे कि आज स्पेशली आज के दिन हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी एंड खुशी के साथ सिद्धार्थ को याद करना चाहिए। एंड इसीलिए मैं लाइव में एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि सब अपने फेवरेट मोमेंट्स बताएं सिद्धार्थ के रिलेटेड। एंड मेरा मोमेंट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हमने सिद्धार्थ के बहुत एस्पेक्ट्स और उसके बहुत इमोशंस और बहुत सारी चीजें देखी हैं बिग बॉस की जर्नी में, और मैं पूछना चाहती हूँ बाकी स्पीकर्स से कि आपको उसकी सबसे फेवरेट चीज क्या लगी, और ऑप्शंस लाइक एक तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए मुझे सिद्धार्थ का इतना मैचो मैन और इतना हल्क टाइप इंसान जो शर्माता था सिन्हा के सामने, वो मुझे बहुत क्यूट लगता था, तो मेरे लिए बाकी सब क्वालिटीज में मुझे वो बहुत अडोरेबल लगती थी सिद्धार्थ की चीज की। एक वो सना ऐसी बचपन मतलब बचकानी बातें कभी कभी स्वीट रोमांटिक चीजें करती थी, और सिद्धार्थ का जो रिस्पॉन्स होता था वो इतना अडोरेबल लगता था मुझे, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और दूसरी चीज जब कोई भी हो जिसके साथ उसकी बन रही है या नहीं बन रही है, जैसे काफी स्पीकर्स ने डिस्कस किया है कि वो जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी सेक उनको अगर ठीक नहीं लग रहा है या दे आर नॉट फीलिंग वेल, तो वो इमीडिएटली जाता था उस चीज को उस समझ के, तो मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती थी चीज। एंड दैट वो कोई भी इंसान हो, आसिम हो या रश्मि हो, या जो उसके बारे में काफी बुरा बोलते होंगे, बट एग्जाम्पल सेक, बट वो बहुत दिल से उनकी फीलिंग समझ के जाके हेल्प करता था या बातें करता था, तो मुझे ये दो चीजें उसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। तो अच्छी चीजों की बात करते हुए आप लोग भी बताइए कि आपको सिद्धार्थ की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी बिग बॉस की जर्नी में, बताइए आरती जी। शायद उनका नेटवर्क खराब है। अनु जी आप बताइए। मेरे लिए सिद्धार्थ दुनिया मतलब जो बोलते हैं ना एन आइडियल मैन, वो मेरे लिए वो है, मतलब मुझे उसकी कोई भी चीज बुरी नहीं लगती थी, लाइक नॉट जस्ट बिकॉज बिग बॉस में मैंने उसे देखा, मैं उसको पहले से फॉलो करती थी और वो मेरा बहुत फेवरेट था। मुझे वो एक कंप्लीट पैकेज जिसको बोलते हैं ना वो लगता था, सो मुझे तो उसकी हर चीज अच्छी लगती थी। बट इफ आई हैव टू पिक टू ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, तो मेरा सबसे पहला जो है वो उसका जो द वे ही ट्रीटेड वुमेन, और उसकी जो सोच थी औरतों को लेकर कि औरतें किसी से कम नहीं है। लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं, हम फेमिनिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन वो करते बहुत कम लोग हैं ट्रू सेंस में, लेकिन सिद्धार्थ वो ट्रू सेंस में बिलीव करता था और करता था। इसलिए मेरा वो वीकेंड का वार का एपिसोड मेरा सबसे फेवरेट है, जिसमें उसने सलमान खान तक को भी मतलब यू नो क्रॉस क्वेश्चन करके चुप करा दिया था, जब उसने बोला था कि अगर तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम सामने हो और तुम उससे लड़ रहे हो, तो मैं तुमसे वैसे ही लड़ूंगा जैसे मैं एक लड़के से लड़ता, क्यों और तुम मुझसे वैसे लड़ सकते हो जैसे तुम किसी से लड़ते। मेरे घर पे मुझे ये नहीं सिखाया कि लड़की है तो संभाल के बात कर, और ना ही मेरी बहनों को सिखाया है
तो हम लोग इक्वली लड़ते थे और इक्वली मरते थे उसमें. मुझे वो चीज दुनिया में भी पसंद नहीं है जो फेमिनिज्म के नाम पे लड़कियां औरतें एडवांटेज लेती है ना वुमेन कार्ड प्ले करके. ऐसे तो हम बहुत स्ट्रांग है लेकिन हम ट्रेन पे जाते हैं तो हमको अलग से सीट चाहिए, हमको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस चाहिए, हम क्यू में खड़े नहीं होंगी, हमको बिठा दो, हमको पहले लगा दो. ये जो प्रिविलेजेस लेते हैं वुमेन कार्ड प्ले करते हैं और इधर कहते हैं कि हम स्ट्रांग है, हम इक्वल है, हम लड़कों से कम नहीं है, तो वो मुझे ना बहुत दोगलापन लगता है, हिपोक्रेसी लगती है. तो सिद्धार्थ उसमें नहीं बिलीव करता था और वो ट्रू सेंस में वुमेन को एम्पावर करता था जो कि उसने सना के साथ किया था. उसको हमेशा एनकरेज करता था, उसकी उसके फ्लॉज को उसके ट्रू उसको मतलब उभार के उसको निकाला था. वो मुझे उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी लगती थी. और दूसरी मुझे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी कि इवन दो ही वाज सो इंटेलिजेंट और वो इतना इतना अच्छा मतलब उसको लैंग्वेज का उसका था कमांड, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसको इतनी नॉलेज थी, उसके बावजूद वो सना के साथ बैठ के उसकी स्टूपिड स्टूपिड बातें इतने इंटरेस्ट से सुनता था. एज इफ मतलब वो नीचा कभी किसी को नहीं नीचा दिखाता था उसकी नॉलेज के लिए. पारस स्टूपिड बातें करता था, उसको गधा नंबर वन, उसको कुछ नहीं आता था. और ये सारे प्लैनेट्स नहीं आते इन लोगों को, मतलब मतलब सन कुछ नहीं आता था लेकिन फिर भी वो किसी को डिमीन नहीं करता था उनकी नॉलेज के लिए और उनको करेक्ट कर देता था इन ए वेरी गुड वे. मतलब अरे चल तेरे को कुछ नहीं आता, वो नहीं था उसके अंदर. जबकि वो मतलब जनरली जब लोग बहुत जानते हैं ना तब वो लोग ऐसे उनके अंदर वो घमंड आ जाता है. जैसे हमने बिग बॉस 14 में देखा है, आप जिसने फॉलो किया होगा वो समझ रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ. वो घमंड नहीं था उसके अंदर, वो बहुत ही हम्बल था. वो बोलते ना जितना ज्यादा नॉलेजेबल होता है कि एक इंसान, जैसे एक भरा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है, वो वैसा था एकदम. तो वो हम्बलनेस उसके अंदर मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट करती थी उसके अंदर. ये दो चीजें मेरी सबसे फेवरेट है. बाकी तो मतलब वो था ही लाइक एकदम फुल ऑन पैकेज. तो मैं क्या बोलूं, बाकी लोग बोलिए, मैं कुछ छोड़ूंगी आप लोगों के लिए. आरती जी अच्छा, बताइए. मेरे ख्याल से जो सिद्धार्थ में सबसे मुझे जो अट्रैक्ट कर गई थी क्वालिटी वो ये थी कि उस बंदे ने ना आई लव यू का मतलब चेंज कर दिया था. एक इंसान जो बस वही आंखों में ही बयान किए जा रहा है अपनी दास्तान को, मतलब उसने ये बताया कि आई लव यू कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, जो ट्रू लव होता है ना वो आपके फेस से झलकता है. वो चीज बहुत ज्यादा उसमें दिखती थी कि मतलब जरूरी नहीं है कि आप वर्ड्स में बताओ कि आप किसी से प्यार कर रहे हो. आप उनसे तब अट्रैक्ट हो गए कि हमें लगता है, क्योंकि कन्फेस तो उसने कभी किया नहीं, फिर भी इतने सारे लोग सिग्नाजियन बन गए. क्यों बने? क्योंकि हमने उसकी आंखों में वो चीज देखी. वो चीज बहुत ज्यादा उसमें निकल के आई थी. दूसरी जो चीज मुझे उसकी बहुत अट्रैक्ट कर गई थी वो ये थी कि वो गेम को गेम की तरह लेता था, कि मतलब सब भले कुछ भी करे. अनु जी म्यूट करिए. वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, पर वो गेम के टाइम पे गेम लेता था, पर जब नॉर्मल डेज हैं तो वो न्यूट्रल बन के रहता था. मतलब गेम को ऐसे गेम लेकर चलो. जैसे पारस को जब सलमान खान ने डांट दिया था तो सिद्धार्थ ने उसको आकर समझाया था. तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप गेम में भी किसी को डिफेम नहीं कर रहे हो, आप उनको सिखा रहे हो, उनकी गेम को बेटर बना रहे हो, फिर आप उनसे लड़ रहे हो. अगर आप किसी लो से लड़ते हो, जो कि सिद्धार्थ को पता था कि सब मतलब उसके लेवल से थोड़े तो सही सही थे, उसको था अपने आप पे कॉन्फिडेंस, पर उसने किसी की भी गेम खराब नहीं की. वो चाहता था कि सब उससे टक्कर पे, मतलब अगर वो जीतना भी चाहता था ना तो भी वो बेस्ट से जीतना चाहता था. वो ये नहीं चाहता था कि मैं किसी वीक से जीतूं, वो चाहता था उनकी गेम भी स्ट्रांग हो फिर भी मैं उनसे जीत जाऊं. फिर वो एक लेवल बनता है ना विनर का, वो उसका इसीलिए बना था. अगर किसी वीक को आप हराते हो ना वो कोई बड़ी चीज नहीं होती है, वो आप कर सकते हो, पर आप चाह रहे हो कि आप एक स्ट्रांग कंप्यूटर से कंपीट करो ना तो वो एक अलग ही लेवल का विनर हो जाता है. इसीलिए सिद्धार्थ इतना मतलब हाई लेवल का विनर बना था अकॉर्डिंग टू मी.
ऐसा लगता है मुझे। अनु जी आप कुछ बोलना चाहती हैं आरती जी की बातों? मुझे अच्छा लगा आरती आपने ये पॉइंट रखा, मुझे आई टोटली अग्री विथ यू। वो हमेशा ना ही वाज सच ए गुड प्लेयर और इतना हाई स्पिरिटेड था वो, स्पोर्ट्स जो बोलते हैं ना ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन, एक वो ही होता है जो मतलब टक्कर लाइक बराबरी का टक्कर करे, तो वो उन अपने उसको अच्छे से पता था दे आर नॉट हिज फ्रेंड्स जिनके साथ उसने टीम अप किया था, लेकिन वो उनकी टेम उनकी गेम अच्छी करके उनसे टक्कर कर रहा था। दैट्स सच ए अमेजिंग थिंग है ना। और आसिम को भी उसने मतलब कभी उसने वो ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की कि उसका गेम खराब हो जाए। लोग जनरली बिग बॉस इज ऑल अबाउट मेंटल गेम, तो किसी का मेंटल वो डाउन करके मैं अपना गेम अप करूं ऐसा वो कभी भी नहीं करता था। वो मतलब उसको मजा आता था कि गेम लाइक बराबरी का हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट आपने। मतलब गेम सबको पता होता है कि ये गेम ऐसे चल रहा है, और आप अंदर घर में हो तो आपको पता होता है आपके कंप्यूटर। हाँ यस यस बोलिए। उसका शायद नेटवर्क थोड़ा वो हो गया। विद्या जी अमन तुम्हारा तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता था? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता था और मेरा लाइफ टाइम मोमेंट था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से मिलना मेरा लाइफ टाइम मोमेंट था। विद्या जी आपने पूछा ना आपका क्या फेवरेट मोमेंट था, तो या वो बिग बॉस के अंदर की बात हो या बाहर की, उनकी हम्बलनेस मुझे बहुत पसंद आई। और आप सबको मैं कितनी बार बता चुका हूँ अपनी स्टोरी, मैं तो सब कुछ बता ही चुका हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए तो सब कुछ ही थे सिद्धनाथ, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। अनु आपने कितना, अनु जी आपने कितना अच्छा बोला क्वालिटीज के बारे में, एंड आई थिंक वो दोनों क्वालिटीज ऐसी थी स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट, बल्कि उनकी दीदी नीतू दीदी ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका भी एक यूट्यूब पे वीडियो है जो इंटरव्यू में व्हेन शी टॉक्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड इन द ट्रू सेंस उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला हाँ. था। You're talking about that news panel thing, हाँ, right? हाँ, exactly, yeah. हाँ, हाँ, बहुत वो बहुत inspiring था. No wonder उस दिन मेरा और ज़्यादा respect आ गया उनकी family के लिए. I mean, how well they are brought up. इतना अच्छा लगा. I mean, they set up an example for us कि ऐसे बड़े करने चाहिए हमें अपने बच्चे. Like society में ना ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमें. So that was very inspiring. And despite that kind of अपब्रिंगिंग और उसकी इतनी अच्छी क्वालिटीज, और वो जानता था कि वो काफी नॉलेजेबल भी है और यू नो सॉर्टेड भी है, पर वो कितना हम्बल था, वो कभी किसी के ऊपर यू नो शो ऑफ तो करता ही नहीं था, और ही वुडंट रब इट। लाइक शुरू में भी एक बार ऐसे सिली कॉन्वर्सेशन हो रही थी जब सिद्धार्थ डे ने शायद हेयर और हेयर्स और पीपल्स का कॉन्वर्सेशन चल रहा था, याद है आपको? हाँ हाँ. तब सिद्धार्थ वहीं पे बैठा था बट उसने एक शब्द भी नहीं बोला। हाँ, like, बिल्कुल इन लोगों को अपनी कॉन्वर्सेशन करने दे रहा था, और काफी लोगों को ये नहीं आता है, उनको कुछ पता होता है तो वो इमीडिएटली यू नो करेक्ट करते हैं, बट बिल्कुल ओवर पावर नहीं करता था, गेम में हो या कॉन्वर्सेशंस में हो या सना के साथ ही कैजुअल या अपनी रिलेशनशिप की बातों में, वो सुनता था बहुत। और वेरी गुड लिसनर, वो अच्छी क्वालिटी होती है एक जो नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट पर्सन में। द फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर वेरी गुड लिसनर, जो सामने वाला है उसको वो लोग दे लेट देम स्पीक, मतलब जैसा भी हो जो भी हो उसका जो भी परसेप्शन है वो सुनते हैं, उसके बाद दे स्पीक अप। तो वो इतनी सारी चीजें ये दोनों हमको सिखाते थे अपने अपने अंदाज में। अब मतलब बिग बॉस 13 एक वो जो ना नॉलेज का भंडार था मेरे लिए, एवरी डे I would take away something from Sidnas. हर दिन, like सच्चाई सना हो अपने अपने वो प्यारे से वे में सिखाती थी और सिद्धार्थ अपने वे में सिखाता था, वो दोनों they were like God gifted, मतलब अपना सब कुछ उनके पास था और उसको जान के भी they were so humble, both of them. सिद्धार्थ की एक ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी कि वो सना को कभी ओवर पावर नहीं करता था,
हम जैसे लड़कों को देखते हैं तो लड़कों में एक ये चीज होती है कि वो डोमिनेट करते हैं लड़कियों को, पर सिद्धार्थ ने थ्रू आउट द गेम उसको अलग ही मतलब खुद से शाइन करने दिया है। अगर आप गेम में भी वो अगर आपके फ्रेंड्स होते हैं जैसे पारस और मायरा थे, तो पारस बहुत डोमिनेट करता था कि बहुत मायरा ज्यादा, उसकी बहुत सुने, ज्यादा। पर सिद्धार्थ कहता था कि सना में वो क्वालिटीज हैं तो मैं उसकी क्वालिटीज को ना मतलब ओवर पावर करूं, वो भले शाइन करे अपनी तरफ से। वो भी बहुत दिख कर आता था और लोग कहते थे कि भाई सिद्धार्थ तो उसकी साइड नहीं लेता, ये नहीं करता। भाई वो गेम खेलने गए तो अच्छा है ना, उसकी साइड दिखेगी तो उसको वोट्स आएंगे ना, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा लगता था उसका ये पॉइंट, मतलब लोग इज्जत जो बहुत करता सना था। के फैंस बनते हैं, जो लोग सना के, मैं अगर किसी की फैन हो ना, मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरा जो आइडल है वो इंडिपेंडेंटली आगे आए, ना कि किसी की सपोर्ट से आए। जैसे कि मायरा, उसका कोई गेम ही नहीं था। वो अगर पारस के साथ उसका वो जो भी था एंगल वो नहीं होता, देन शी वुड हैव जस्ट गॉट आउट ऑफ द हाउस दूसरा तीसरा हफ्ता। सो मुझे समझ में नहीं आता, इफ यू से दैट यू आर फैन, तो आपको क्यों चाहिए कि कोई सपोर्ट करे? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ये डिबेट तो मतलब अनएंडिंग डिबेट है शनाज के लिए। सो या आई मीन, अच्छा किया सिद्धार्थ ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। जब चाहिए सपोर्ट इमोशनली मेरे उसने ख्याल हमेशा में किया सपोर्ट। था, क्योंकि वो जब नाइट में होते थे वो सीन देखा है, सिद्धार्थ उसको सब चीजें एक्सप्लेन करता था अपनी तरफ से, पर वो उसको डोमिनेट नहीं करता था। अनुजी, अनुजी आप ये क्या कर रही हो? उसका बहुत आवाज साउंड आ रहा बहुत है। इको कर रहा है, इको कर रहा है। हाँ, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ जब मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ ना, मैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, तो फिर वापस तो मेरे को उसको ऑफ करना पड़ता तो गाड़ी का ब्लूटूथ ऑफ कर दो। है। हाँ, कर दिया है, उसके बाद भी होता है, वो टाइम लगता है 2 मिनट। ओके, आप म्यूट कर लो। बोलिए आरती जी। तो मैं यही बोल रही थी कि मुझे उसकी वो नेचर काफी अच्छी लगती थी कि वो मतलब लेडीज में रहा है ना, तो उसको पता है लेडीज की इज्जत कैसे करवाते हैं उनको, मतलब कैसे मतलब उसका वुमेन की तरफ जो एक चीज थी ना, वो काफी नॉर्मल गाइस से बहुत डिफरेंट थी। जैसे उसकी आइडियोलॉजी भी बहुत ज्यादा अलग थी कि फेमिनिस्ट नहीं होना है, दोनों बराबर हैं, और बराबरी की भी एक मिसाल जो होती है ना वो उसने बताई है। एक ये होता है कि आजकल की लड़कियां जैसे सोचती हैं कि भाई हम भी लड़कों की तरह जा सकते हैं, ये कर सकते हो, वो एक अलग चीज होती है। सही मायने में जो एम्पावरमेंट होती है ना लड़की की, वो तब है जब आपको वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो एक लड़के को रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर रिस्पेक्ट में आप दोनों एक जितने हो ही, ऐसे ना बोले कि ये लड़की ये चीज नहीं कर सकती, मतलब आपको कोई डाउन फ्लेम नहीं कर रहा है अपनी क्वालिटीज से, आपको कोई शाइन करने से नहीं रोक रहा है, फिर आप सही मायनों में एक मतलब वुमेन के शेप में आ सकते हो। कोई आपको एम्पावर कर रहा है, ये कर रहा है कि भाई आपसे नहीं होना, आप नहीं कर सकते, या कोई आपकी जो क्वालिटीज हैं उसको डिफेम कर रहा है ना, तो वो आपकी क्वालिटीज शाइन नहीं करती हैं, और आप एक इंडिविजुअली सर्वाइव वैसे नहीं कर पाते हो जैसे आप होते हो। तो वो भी मुझे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी कि एज अ वुमेन की तरफ भले ही शहनाज उसकी कुछ थी ना थी या कुछ भी उनका था, एज अ ह्यूमन बीइंग भी देखा जाए ना, तो वो सारी लड़कियों को एक अलग ही रिस्पेक्ट देता था कि भाई तुम लोग अगर मेरे साथ जैसे चलोगे, उसका मतलब लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस और आईक्यू लेवल जो था ना, कि हर चीज को इतना लॉजिकली और मतलब फिजूल नहीं था। हर चीज पे एक एक चीज होती है ना कि आपके कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं हर बंदे की, कि ये मेरे सेट पॉइंट्स हैं, ये कुछ मेरे कोट्स हैं जिस पे मैं बिलीव करता हूँ, तो वो उसका बहुत ज्यादा हाई पॉइंट था कि वो अपने जो उसकी आइडियोलॉजी थी या उसके जो फैक्ट्स थे जिन पे वो बिलीव करता था ना, उससे नहीं हटता था और अपनी बात पे रहता था। ये नहीं कि भाई आज मैंने ये कह दिया कल मैं वो कर नहीं रहा हूँ, या मतलब कहते हैं ना कि जो अपने बातों का पक्का इंसान होता है, वो उसमें बहुत ज्यादा था। वो भी क्वालिटी उसकी काफी अच्छी थी एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो वैसे ही कंप्लीट पैकेज है।
मनु जी बोले कितना अच्छा बोल रहे हो आप लोग, विद्या जी, अनु जी, और आरती जी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कभी ट्राई करके ये सब नहीं करता था, लाइक वो ये नहीं सोचता था हाँ, इट कि कम्स नेचुरली कैमरास ऑन है नेशनल टीवी पे। हाँ वो उसके अंदर इनबिल्ट है, मतलब दैट इज रीता माँ की परवरिश दिख रही है, और यू नो उनकी फैमिली में इतने स्ट्रॉन्ग मॉरल्स हैं, और वो उसके अंदर इतने मतलब समा चुके हैं और इनबिल्ट हैं कि उसको ट्राई भी नहीं करना पड़ता था, वो बिल्कुल नेचुरल था उसका वो नेचर यार। और काफी बार मैंने नोटिस किया है बिग बॉस में छोटे से भी सेलिब्रिटीज आते थे, बहुत घमंड होता था मोस्ट ऑफ देम में, कहीं ना कहीं एक बार किसी के मुंह से तो कभी कभी निकल ही जाता था, मतलब इस सीजन में देखा मैंने काफी लोगों के कि बाहर जाके देख लेना मेरा नाम, या यू नो मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ मुझे वोट्स की जरूरत नहीं है या ये सब। बट सिद्धार्थ इतना बड़ा नाम था, ही वाज द मोस्ट पॉपुलर इन द सीजन, और उसने कभी नहीं जताया, तो उसे घमंड भी बिल्कुल नहीं था अपने स्टैचर अपने एक्सपीरियंस जो भी था, और झगड़े में भी लोग कितना उसको उकसाते थे बट वो कभी अपनी मतलब बढ़ाई करते हुए कभी रिप्लाई नहीं करता था वो। हाँ तो इंसान को अपना पता होता है, और वो अपने तरफ से माइंड में बिल्कुल सेट था कि भाई मैं इस लेवल का हूँ, ये जो क्वालिटी होती है ना खुद पे कॉन्फिडेंस के, भाई पता है भाई यहाँ पे कर ले इनको जो करना है, मुझे पता है मैं सही जा रहा हूँ, लोग मुझे कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि आप खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाह रहे हो कि आप जैसे हो जैसे फील कर रहे हो आप वही चीज कर रहे हो, तो वो चीज भी बहुत निकल के आती थी उसकी, अच्छी लगती थी वो। मैं आधा या इसका क्रेडिट हमेशा सोचती हूँ कि रीता माँ को देना चाहिए कि कितनी अच्छी अपब्रिंगिंग है उनकी, और मतलब लगता है मुझे एज अ मदर कि कितना कुछ मुझे जैसे सिद्धार्थ से सीखने को मिला है, मुझे लगता है ये सब इनडायरेक्टली मुझे रीता माँ से सीखने को मिल रहा है। एंड मतलब घर के माहौल को ऑब्वियसली मदर्स ही सेट करते हैं ना काफी हद तक, एंड आई मीन मुझे सही नहीं ये गलत है एक्चुअली, सिद्धार्थ होता अभी कहता कि मदर्स नहीं फादर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो सिद्धार्थ से सीखते हुए मैं कहूंगी आई थिंक सबको सीखना चाहिए नॉट जस्ट मदर्स, बट आई मीन बट मैं बहुत 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 बड़ी फैन बन गई हूँ रीता माँ की, नॉट जस्ट मतलब सिद्धार्थ, इस एक सीजन से मुझे ये सोलो एक पता लेडी चला में है। अगर वो थी भी तो सोलो लेडी ना, तो इस हिसाब से उन्होंने बहुत मतलब ज्यादा ही अच्छी परवरिश की है। अगर आप देखें तो रीता माम में ना लेडी, एक पता नहीं किसी ने कोई पोस्ट दी थी कि एक होती है लेडी जो मतलब बच्चे को बड़ा करती है, एक होती है वुमेन, और रीता माम में वो सारी क्वालिटीज थी जो उनके बच्चों में निखर के आई है, इनकी माँ ने भाई इनको हाई लेवल की परवरिश दी हुई है कि कैसे सब कुछ करना है, वो बहुत अच्छा लगता था। हेलो हेलो टेक केयर अनु जी, अनु जी बाय का अमन, या बाय, मैं ड्राइव कर बाय, रही हूँ तो या टेक केयर, बाय बाय गाइस, अनु टेक जी। केयर, बाय। विद्या जी बोलिए। अमन किसी और को भी लो लाइफ में, या लेंगे, विद्या जी बोलिए। बस अमन ना आई थिंक मैं भी अग्री करती हूँ, और मैं एक और भी मेरी दोस्त है जिसके साथ हम पिछले 3 दिनों से रीता माँ के बारे में इतना बात करते हैं कि हर चीज जो भी बाहर आती है कि वो कितनी स्ट्रांग है कितनी वो है, और लगता है कि शायद हम इनडायरेक्टली इतने मतलब महीनों से सालों से रीता माँ के फैंस थे, और इनडायरेक्टली वो सारी क्वालिटीज हमें सिद्धार्थ में दिखी और पसंद आई, तो एज अ मदर मैं उनको इंस्पिरेशन की तरह देखने लगती हूँ, अगर उन्होंने इतने हार्डशिप्स में भी वैल्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो हम सब तो कर ही सकते हैं, तो हम ऑल द मदर्स हियर आई थिंक हम सबको उनसे तो काफी कुछ सीखने को मिला है। या हेलो स्नेहा जी। हाय हाय अमन, बोलो कैसे है? हाँ या आपकी कार बहुत, एसी बहुत तेज है, कम कर लो एसी।
बस बंद कर दिया एसी। देखा मैं सब पहचान जाता हूँ। अमन तुम्हारी कान बहुत शार्प है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दो दिन से विद्या, जुनेरा एंड आज जो रसिका, वो सब जो आए हैं आज, जो नए सिडनास फैंस स्पीकर्स बनकर आए हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एंड दैट्स बहुत अच्छा लगा कि यस हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जितने भी यूएसए वाले लाइव में आते हैं सब कार से ही लाइव आते हैं, घर पे बैठे क्यों नहीं लाइव आते? अमन देखो अभी ऑफिस छूटा 6 बजे, अब घर, अभी घर पहुंचेंगे तो सब लोग वेट करेंगे कि अब क्या बनाएगी ये। तो उस वजह से यहाँ की पता नहीं मंडे टू फ्राइडे लाइफ बहुत ऐसा हेक्टिक हो जाती है, सैटरडे संडे फिर वो ही रहता है कि चलो घर का कुछ ले आए, सब सब में दिन निकल जाता है। बट लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज, स्पेशली रसिका जी है, फिर जो जिस हिसाब से उन्होंने बोला ना कि उनके हस्बैंड ने बोला है कि मैं लेके जाऊंगा तुमको मिलाने के लिए, आप मानोगे नहीं जब शहनाज कनाडा आई थी हम लोग ने बहुत ट्राई किया यहाँ से पता लगाने के लिए कि वो कहाँ रुकी है। एंड मैं और मेरी डॉटर, सिंस फ्लाइट्स उस टाइम पे नहीं थे तो कुछ कोविड की वजह से बॉर्डर्स बंद कर रखी थी, तो मेरी डॉटर ने वो तक ट्राई किया कि हम लोग बाई कार चले जाए कनाडा। लेकिन फिर हम लोग को एक दो जगह फोन किया तो बोले कि नहीं बॉर्डर आपको पार करने नहीं मिलेगा। जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कुछ नहीं तो मैं सिद्धार्थ की बिल्डिंग के नीचे खड़े रह के सिर्फ उसकी बिल्डिंग भी देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो जाएगी। आज थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, बहुत बहुत याद आ रही थी सिद्धार्थ की, सो आई केम। आप मानोगे नहीं मैं रात को 3 बजे उठ के बैठ के अकेले ही रो रही थी। हाँ आज बहुत भारी था दिन सच में, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ रही थी, मैं कब से हूँ लाइव। हाँ मेरा भी मन नहीं था आज आना, बट आई थॉट आई जस्ट से हाय टू एवरीबॉडी। इससे पहले आई थी मैं, बट लाइक मेरा ध्यान नहीं लग रहा था कहीं पे, तो आई थॉट फर्स्ट मैं मंदिर होती, अगर अमन लाइव है ऑन द वे बैक फिर मैं आ जाऊंगी दो मिनट के लिए। अच्छा नहीं आज आप बातें करिए, बोलूंगी जो मैंने नोटिस किया है। एक एक बंदा बोलता है कि सितंबर 2 के 2 दिन पहले मेरी बात हुई और मेरे एक शो के बारे में सिद्धार्थ ने मेरी तारीफ कर दी और ये हो गया और वो हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा फलाना ढिमकाना। उसी बंदे की 30 अगस्त को इंटरव्यू हुआ था, तब तो उसने कुछ नहीं बोला उसके बारे में। और फिर उसके वो जब उसने बात छेड़ी कि मुझे फोन कॉल आया था और मेरी तारीफ की उसने और ये वो, उसके ठीक 2 दिन बाद उनकी शूटिंग होती है उनके शो के फिनाले की। वाह भाई ये इसलिए मैं बोलती हूँ देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। मैं कुछ नहीं बोल, मतलब मैं बस फैक्ट्स बोल रही हूँ जो मैंने देखा है, तो मतलब सही है, अच्छा है सबको, मतलब ऐसी सब जुड़ के आता है सबको, सबके स्टार्स अलाइन होते हैं ना, अच्छी बात है। सो मूविंग ऑन, मैं तो बस मैंने जो कल बोला या परसों बोला था मैं उसी पे अड़ी हूँ, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल आ जाए कुछ भी आ जाए, अदर देन द फैमिली या कौशल या कैन या पास, इनके अलावा और कोई कुछ बोल रहा है, वो जैसे शहनाज बोल दिया ना यू डिजर्व द ओवेशन ऑफ माय फिंगर, वैसा है वो, लाइक लिटरली लाइक दैट। तो बस निकलो आगे से राइट और कट लो, बिकॉज बहुत ही
बेहुदा हो रहा है आजकल तो बहुत ही, मतलब यार 13 दिन हो गए उनको छोड़ दो यार, फैमिली को बख्श दो। वो बंदा उसने जान लगा दी पूरी लाइफ में, इवन 15 इयर्स से जब से वो ये शोडम शोबिज में है या और बॉलीवुड में या जो भी है, उसने जान लगा दी उसकी लाइफ यू नो प्राइवेट रखने के लिए, और यहाँ पे बैठ के सब लोग तमाशा बना रहे हैं उसके लाइफ का। मतलब ये तो बहुत ही बकवास, मतलब इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। एंड या सो मतलब लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और लोग भी ऐसे बह जाते हैं। लाइक यार अगर आप अपने आइडल को समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहा था, वो कितनों को, वो करीब सिर्फ 6 लोगों को फॉलो कर रहा था, दैट्स इट। और आप लोग मतलब लोग ऐसे हैं, फैंस ऐसे हैं कि भाई बस मतलब किसी मतलब इतना भी क्या डेस्परेशन यार, छोड़ दो अपना, अपने लाइफ पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। मतलब सब लोग, ये गंगा भी नहीं है, ये बहती गंगा भी नहीं है, वो आदमी चला गया बेचारा, उसको बख्श दो यार, उसके फैमिली को। बट एनीवे चलो कोई नहीं, होपफुली पीपल ऑन दिस लाइव आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड और नॉट गेटिंग कैरीड अवे। डू नॉट जस्ट कीप द फेथ। सेना ठीक है, सब लोग ठीक है, सबको एंगेजमेंट चाहिए, सबको हेलो राधिका जी। हाय, मैं ना कल ही, मैं जिस दिन वो बात आई थी ना, मैं उस दिन भी ये बात सोच रही थी कि 2-3 दिन पहले तो उसका इंटरव्यू आया है, उसमें तो उसने कुछ अच्छा नहीं इतना उसके लिए बोला, तो वैसे बोल रहा है अभी आर्टिकल में कि मैं उसको मिला भी हूँ, अभी उसकी प्रेज कर रहा है। तो मुझे ये बात खटकी थी, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, पहले नहीं जिसने मिलके बोला, अभी तो कुछ भी बोली जाए, अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मतलब मैंने बस वो आई ट्राई टू कनेक्ट माय डॉट्स, जो जो इवेंट्स हुए हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स मैंने मैंने कनेक्ट किया, और मेरे हिसाब से मैंने जो भी बना लिया वो मैंने अपने दिमाग में बना लिया है। बट मैं बस वही लाइक बताना चाहती थी कि सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या थे। मैं समझ गई। मैं कल परसों उसकी तो नहीं मैंने बात की, खटका तो मुझे भी था, लेकिन एक और लड़की की मैंने देखा था, उसका मेरे को कोई रैंडम लड़की वैसे ही बोल रही है कोई, तो मेरे को लगा कि भाई वो जाने से एक दिन पहले सबसे बातें करके गया है। आई डोंट गेट दैट कि ये क्या हो रहा है। आज वो बीबी भी मतलब यू नो ब्रोकन 3 की बंदी डालती है। हाँ, पढ़ा था। आपको आपको ट्रिब्यूट देना है तो आपको हैशटैग डालने की क्या जरूरत है? मतलब मुझे ये समझ नहीं आता लोगों को, मतलब शायद औरों को अच्छा लगा होगा उसका पोस्ट, बट अगर आपको जेन्युइन पोस्ट, अगर आपको जेन्युइनली डालना है तो जेन्युइनली डालो। अपना अपना दुकान क्यों चला रहे हो, मतलब मुझे ऐसे लगा। नहीं नहीं, एक्चुअली लिखा अच्छा था सिद्धार्थ के लिए, सब बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें उनका भी 70% बेनिफिट वो ढूंढते हैं लोग। अब वो मुझे नहीं मालूम कितना ढूंढा क्या किया, बट मुझे जैसे वो मैंने रीड किया वो हैशटैग डालने की क्या जरूरत, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन को अपनी तरफ, आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना जा रही हूँ। वो फिर वो उसकी कोस्टार उसको रिपोस्ट करती है। मतलब मुझे समझ नहीं, मतलब मुझे समझ आता है बट उनको लगता है कि हमको समझ नहीं आता, समझ नहीं आता कि दैट इज द फनी पार्ट। हमें सब, सो दे थिंक वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, एटलीस्ट मुझे पता नहीं, आई डोंट केयर फॉर दैट। अगर आपको ट्रिब्यूट देना है लाइक जैसे विद्युत ने दिया था, राइट, दैट टू मी इज लाइक अ फ्रेंड, मतलब अ फ्रेंड टू फ्रेंड, वो एकदम यू नो सॉलिड वाला था। ये क्या है यार,
वो था भी नेक्स्ट डे, वो भरा हुआ था हम जैसे अंदर से, तो वो कहीं निकालना चाहता था, तो उसने ऑनलाइन आके सबसे बातें की, अंदर की बातें निकाली, तो उसको भी थोड़ा रिलैक्स फील हो गया होगा कि उसने ऑनलाइन बातें की. अभी अब 13 दिन बाद फिर हैशटैग डाल के डाल रहे हो, आई डोंट नो. नहीं ठीक है डालो यार, मतलब मुझे हुआ माय उनका हैंडल है, उनके वर्ड्स है, उनके थॉट्स है, कुछ भी कर लो, मुझे मेरा कुछ नहीं जा रहा है. बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं वो बात बता रही हूँ. अगर आप ट्रिब्यूट देना चाह रहे हो तो मैं उसको, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे एक तो यू नो ट्रिब्यूट दे रहे हो, आप मिलने गए हो नहीं गए हो दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस, बट अगर आप ट्रिब्यूट दे रहे हो तो आपकी जो उसके साथ यादें हैं उसके लिए ट्रिब्यूट दो. हाँ फैंस को बोलो, बट पता है ना फैंस सोशल मीडिया पे फैंस को टैग करना, हैशटैग लगाना और उनके शो का जो हैशटैग बना था उसको बोलना, ये आई लॉस्ट हर एट दैट पॉइंट. आई एम लाइक ओके आपने वो आर्टिकल पढ़ा था जो आज आया? नहीं पढ़ा होगा. नहीं, मैं बहुत बिजी थी और मेरा दिमाग इसमें था ही नहीं. मैंने पढ़ा था सुबह सुबह ही, वो दिखा मेरे को इंस्टा पे किसी ने डाला था उसकी कॉपी. तो वो एक्चुअली उसने उससे ना एक पॉजिटिविटी से आती है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि आप जा रहे हो कंसोल करने उनको, मतलब उनसे मिलने, तो आप क्यों उनकी प्राइवेट लाइफ डिस्कस कर रहे हो. लेकिन ना उससे मेरे को बड़ी, राधिका जी ना अंदर से बड़ी एक सेटिस्फेक्शन मिली कि रीतमा कितना, मतलब वो शनाज के बारे में सोच रही है जो उसमें लिखा हुआ था. या ठीक है, बट व्हाई डू यू नीड आर्टिकल्स टू, लाइक आई डोंट नीड एनी आर्टिकल्स टू बिलीव दैट और फील गुड अबाउट इट. आई ऑलरेडी नो अगर वो लड़की, मतलब ये पता नहीं मुझे, ये SNIT और कंटेंट और ये मुझे समझ नहीं आता. राइट, आई नेवर वाज लुकिंग फॉर प्रूफ्स और एनी कॉन्फर्मेशन और एनीथिंग. वो जो भी देखना था हमने शो में देख लिया. आई वॉज गुड विद दैट एंड उसमें भी आई एम श्योर यू नो सिद्धार्थ को लगा होगा कि उसका पर्सनल रिलेशनशिप, अभी ही कुडंट हेल्प इट, कैमरास लगे हुए थे, वो शो ही वैसा है. तो हाँ, लेकिन उसने बहुत ज्यादा करने की कोशिश की कि नहीं शो हो, लेकिन वो तो फिर वहाँ इतना कैमराज है तो वो तो शो तो होगा ही ना. हाँ तो बट माय पॉइंट इज आई डोंट नीड टू लिसन टू सम BB14 कंटेस्टेंट हु हैड नथिंग टू डू विद द फैमिली, हैड नथिंग टू डू विद सिद्धार्थ, एंड देन सडनली ही इज गिविंग. नो आई एक्चुअली फाइंड दैट इंसल्टिंग. आप फैमिली की रिक्वेस्ट की यू नो कदर नहीं कर रहे हो. आई फाइंड दैट यू आर यू नो बिट्रेइंग दैट, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फैमिली. आप घर एक तो जा रहे हो, यू आर पेइंग यू नो कंडोलेंस इज सच अ प्राइवेट थिंग, इट इज सच अ प्राइवेट थिंग एंड दे आर अलाउिंग यू टू मीट. और आप आके उसका एक आर्टिकल छाप रहे हो, वाह. लाइक फिर वो आर्टिकल भी इसीलिए छपा होगा कि इंटरव्यू में कहीं उन्होंने बोला होगा, ऐसे तो नहीं आया कि वो उनके घर पे गए, बताया ही होगा ना किसी को, तो मीडिया को बता. मुझे आई हैव एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस, आई एम सॉरी. मेरे को बहुत इरिटेट हो, इसीलिए मैं अभी सोशल मीडिया पे नहीं जाऊंगी. मुझे बहुत इरिटेट हो रहा है जैसे ये लोग, एंड लिखने को क्या है, देयर आर वेरी गुड राइटर्स इन द इंडस्ट्री, राइट. Like you can write very good and you can easily manipulate audience very easily, yeah. Because of kuch bhi acha likho, oh kitna acha likha hai, oh kitna, you know, I don't trust anybody. I'm like okay, have you know, peace out, have a nice life. या नहीं, ट्रस्ट तो वैसे ही नहीं, बिग बॉस 13 के बाद ही नहीं किसी पे रह गया. मैं तो वैसे ही नहीं सिद्धार्थ शनाज को छोड़ के, 13 की भी बात नहीं है, 13 की भी बात नहीं है. नहीं पहले तो एक्चुअली मैं तो पहले इतना इन्वॉल्व ही नहीं थी ना इन चीजों में, कभी देखा ही नहीं था फैंस का क्या होता है क्या नहीं होता. मैं तो BB13 के बाद ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व हुई हूँ, तो मैं नहीं था पंजाबी मूवीज वगैरह देखती थी शहनाज को जान. बहुत ज्यादा उसको फॉलो किया है, इस वजह से अभी पता चल रहा है कि कैसे लोग होते हैं, कि पहले नहीं इतना था इन्वॉल्वमेंट, तो अभी तो समझ आ रहा है कि मुझे तो इन दोनों को छोड़ के और कोई इतना
मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई कभी भी. या उसने वो भी डाला है विद उसने एंगेजमेंट हुई उसकी. आई डोंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. या बट आई मीन एनीवे दोस आर्टिकल्स आई डोंट केयर हाउ गुड दे आर रिटन दे डोंट मीन एनीथिंग. मुझे कोई मायने नहीं है वो किसी चीज का भी. मुझे बस आई एम जस्ट प्रेइंग कि शना अच्छी हो और बस सब ठीक हो.